मासूम छात्राओं पर थप्पड़ बरसाने का ये वीडियो है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक टीचर बच्चियों पर थप्पड़ बरसा रहा है और मासूम छात्राएं डरी सहमी खड़ी हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल मामला रतलाम के पिपलौदा तहसील के सरकारी स्कूल का है। इसमें टीचर छात्राओं को बारी बारी से अक्षर चार्ट टेबल के पास बुलाते हैं और फिर अक्षर नहीं पहचान पाने पर उन्हें थप्पड़ों से बुरी तरह पीटते हैं। वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने छिपकर बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी टीचर पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिटाई कर रहा टीचर जावरा के समीप गांव मामटखेड़ा शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय का जेके मोगरा है। क्या हुआ? आज वही अलग जो जो हुआ वो बता। ये आप ही तो था ही कौन बैठे? मुझे कक्षा नहीं आ रहा था। कितने सारे चाचा मारे आपको? बहुत सारे मारे। आपको दर्द नहीं हुआ? घर पे बोला आपने आके? नहीं बोला। क्यों? यार पापा मैं नहीं पा रहा हूं। क्यों मारेगा? नहीं किसी को भी मारे थे? दूसरे को भी मारे? दूसरे को मारे? कितने बच्चों को मारे थे? बोल। 3, 4, 5? पांच। पांच बच्चों को? और वो मारते भी बहुत जोर से है सर वो। हाँ, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ स्कूल में? बहुत मार रहा है इसको। किसने मारा, कब मारा, कुछ बताओगे आप? पूरी बात बताओ। परसों मारा इसको। हाँ। बहुत मारा इसको, गरा न किया ही कोई। फिर वीडियो आया तो देखियो। हाँ। कौन कौन मास्टर है मारने वाला? वो मोगरा। क्या इसी तरीके से मारते हैं बच्चों को? कैसे मारते हैं? कैसे मारते होगा? आप लोगों ने कोई कार्रवाई की? कह दे यार पापा सुबह में। फिर मैं दबाती नहीं हुई भी दुकान पे चली गया था। वीडियो आपने देखा? कैसे मारते हुए दिखे वीडियो में? देखा। क्या क्या दिखा वीडियो में? बड़ा फड़फोट रहे थे। बाल पकड़ के क्या? हाथ पकड़ के? किस हाथ पकड़? अब आप क्या चाहते हो? सर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप लोग कोई लिखित में शिकायत करोगे? बताया जा रहा है कि हमारे जावरा उपखंड के जो पिपलौदा ब्लॉक है उसके मामटखेड़ा गांव का है, जिसमें एक शिक्षक द्वारा जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो इस संबंध में वीडियो प्राप्त होते हुए जो वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा जाँच की जा रही है। वो सभी के वहाँ के बयान लेकर और वो सब जितनी भी कागजी कार्रवाई पूरी करके जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, जैसे भी इंक्वायरी के बाद जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसके बेसिस पर हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, अब जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।